स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री सरस्वती नमः। स्वस्ति श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीराम कृष्णभ्यां नमः। श्रीरामानन्दाय नमः। श्रीसुरभ्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वंशी विभूषित करानवनीरदाभा पीतांबरा दरुण बिंब फलादरौष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अतुलित बलधामं हेम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां धीशम् रघुपति प्रिय भक्तं वात्मजातं नमामि। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। मातु पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार हम पर किया बड़ा उपकार हम पर किया बड़ा उपकार। सेवा कर गौवंश की एक पंथ दो काज उन्नति होवे देश की। श्री
कृष्ण मिलन की आस। श्री जनक लली के पद कमल बिनवहु बारंबार, गुण गाऊं प्रभु राम के श्री हनुमत हो सहाय। माता मेरी राधिका, पिता मेरो घनश्याम, इन दो उनके चरण में मेरो बारंबार प्रणाम। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मुहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूं मति अनुसार, आए के आसन लीजिए, आइए पवन कुमार। बोल भागवत भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, श्री सीताराम भगवान की जय हो, श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, गणेश भगवान की जय हो, काली मैया की जय हो, सब भक्तन की जय हो, जय जय श्री राधेश। भगवान की हेतु की कृपा करुणा से यह सुंदर संयोग गोपाष्टमी के पावन उपलक्ष्य पर आयोजित नर नारायण सेवा संस्थान के तत्वावधान में श्री स्वामी विवेकानंद मित्र मंडल द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा, भगवान श्री राम कृष्ण के चरित्रों का गान आज तृतीय दिवस में प्रवेश पा रहा है। आइए नित्य की भांति उन भगवान को अपना बनाते हुए और हम भगवान के बनते हुए इस भाव को प्रकट करते हुए बड़े भाव से दो मिनट का सुंदर गान करेंगे। तदुपरांत बड़ी दिव्य भक्त चरित्रों की दिव्य लीला का आनंद गान होगा। सभी लोग आनंद से गान करेंगे साथ में। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम सिया जू के सिया जू हमारे हैं, हम सिया जू के सिया जू हमारे हैं, हम सिया जू के सिया जू हमारे हैं, हम राम जू के राम जी हमारे हैं। Thank you.
हम सिंह जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, ओ हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हम राधा जू के राधा जू हमारी है, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हमें राम जी के राम जी हमारे हैं, जय हो। ताली की सेवा करते हुए राधे और कृष्ण सिया और राधा जिनकी कृपा से मिलते हैं वो भी हमारे हैं। कौन? हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, गुरु जी हमारे हैं, हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, हम गुरु जी के गुरु जी हमारे हैं, जय हो। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हमें राम जी के राम जी हमारे हैं, वो कौशल्या आँखों के तारे हैं, कौशल्या के आँखों के तारे हैं, वो कौशल्या के आँखों के तारे हैं, वो कौशल्या के आँखों के तारे हैं, और दशरथ राज दुलारे हैं, और दशरथ राज दुलारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी
जी के राम जी हमारे हैं। हम राम 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 जी के राम जी हमारे हैं। हम सिया जो के सिया जो हमारी हैं। हम सिया जो के सिया जो हमारी हैं। हम सिया जो के सिया जो हमारी हैं। हम सिया जो के सिया जो हमारे हरी बोल। हम राम जी के राम जी हमारे 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 हम राम जी हाथ जाके ताली बजा के राधे। हम राम जी के राम जी हमारे हम राम जी के राम जी हमारे हैं। हम राम जी के राम जी हमारे 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 राम जी के हम सिया जू के सिया जू हमारे हैं। हम श्याम जू के श्याम जू हमारे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हम राम जी के राम जी यह भाव अगर सच में साकार हो जाए, भगवान के हम बन जाएं, भगवान को हम अपना बना लें, थोड़ी ऊंची भक्ति, इति लंघित मर्यादा तच्छकः सप्तमे हनी, ये किसने बोला था? समीक पुत्र श्रृंगी ने परीक्षित के लिए कहा। शब्दों की ताकत देखो। समीक पुत्र श्रृंगी ने यही शब्द कहे कि इत लंघित मर्यादा तच्छकः सप्तमे हनी, और परिणाम क्या हुआ? महाराज परीक्षित जैसा राजा सिंहासन से नीचे आके गंगा के किनारे बैठ गए। इसलिए शब्दों का चयन करके बोलना चाहिए, सोच विचार के बोलना चाहिए। महाराज, पर भगवान का संकल्प है कि कोई मेरी ओर एक कदम बढ़ाएगा, मैं उसकी ओर दौड़ आऊंगा। ये भगवान का संकल्प है कि जो तू आए एक पग, भगवान कहते हैं कि जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग साठ। भगवान कहते हैं कोई मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता है ना, तो मैं उसकी तरफ दौड़ जाता हूं। इसका अर्थ समझे? यदि सुबह सुबह पूजा पाठ करते हो तो अहंकार मत करना कि हम लोग तो पूजा पाठ कर लेते हैं।
आप भगवान का एक बार नाम जप करते हैं, भगवान आपको पूरा दिन याद करते हैं। अरे कोई भक्त भगवान की भक्ति क्या करेगा जितनी भगवान भक्त की भक्ति करते हैं। महाराज परीक्षित जी के चरण भगवत प्राप्ति के लिए बढ़े सो संत की कृपा हुई कि तत्रा भगवत भगवान व्यास पुत्रो स्वामी सुखदेव आए। अच्छा परीक्षित चाहते तो मृत्यु को टालने का कुछ प्रयास करते। बड़े बड़े विद्वान थे, महामृत्युंजय जब बिठा देते, एक से एक विद्वान थे जो चाहते वो कर सकते थे, पर परीक्षित ने मृत्यु को नहीं टाला, प्रयास भी नहीं किया। परीक्षित ने वह कार्य किया कि 7 दिन में भगवान कैसे मिले, और ये कार्य परीक्षित संपूर्ण संसार के कल्याण के लिए कर गए। कोई भी महात्मा आता है परीक्षित उससे बस यही पूछते हैं जिसे 7 दिन में मरना हो वह क्या करे कि भगवान मिल जाए। और ये केवल परीक्षित का नहीं हम सबका यही प्रश्न है। कार्य वही करना चाहिए जिस कार्य को करने से समाज का कल्याण हो। जैसा कार्य हमारे स्वामी विवेकानंद मित्र मंडल ने किया, एक व्यक्ति की सोच कितनों को लाभ देती है। आयोजक बनके हम सभी को भगवान की कथा सुनाने का कार्य किए। सो महाराज स्वामी सुखदेव से भी यही प्रश्न किया परीक्षित ने कि जिसे 7 दिन में मरना हो वह क्या करे कि भगवान मिल जाए। देखो समय रहते जो कार्य होता है वो श्रेष्ठ होता है। शरीर चल रहा है, हाथ पैर ठीक है, खूब तीर्थ यात्रा कर लो, शरीर स्वस्थ है, खूब भजन कर लो, बुढ़ापे में ना तीर्थ यात्रा होती ना भजन हो पाता। और जो जवानी संसार में खपाते हैं वो बुढ़ापे में निश्चित रोते हैं कि आछे दिन पाछे गए हरि से हुआ नहीं तो, आछे दिन पाछे गए हरि से हुआ नहीं तो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब बुढ़ापे में माला पकड़ोगे हाथ हिलेंगे वो माला कहां चलेगी, जबान नहीं पलटेगी। कृष्ण कृष्ण कैसे जपोगे, इसीलिए समय रहते भगवत भक्ति तीर्थ यात्रा ऐसे कार्य कर लेने चाहिए। परीक्षित ने बड़ा सुंदर मार्ग चुना। मृत्यु सभी की निश्चित होती है और ये हर व्यक्ति जानता है, पर समस्या क्या है, हर व्यक्ति की सोच है कि सामने वाला मरेगा, स्वयं की कभी नहीं सोचते। अपने कंधों पे लाद लाद के ना जाने कितनों को शमशान में डालाते हैं पर अपने जाने की तैयारी कभी नहीं करते। अब शमशान पहुंचते हैं तभी बैराग्य चढ़ता है, जब चिता जलती है फिर देखो पूरी गीता याद आती है शमशान में। हर व्यक्ति के समक्ष यह काल रूपी समय ग्रसित करके सामने खड़ा रहता है पर हम लोग आंखें बंद किए रहते हैं। ये तो वही बात है कि एक कबूतर बैठा था
अचानक एक बिल्ली आ गई। बिल्ली इतनी तेज आई दौड़ के कबूतर के पास कि कबूतर को उड़ने का समय नहीं मिला। तो कबूतर ने क्या किया पता है? आंखें बंद कर ली। बिल्ली तो है ही नहीं। अब कबूतर ने आंखें बंद कर ली, उसे बिल्ली दिखनी बंद हो गई। क्या कबूतर के आंखें बंद करने से वह बिल्ली चली गई? नहीं गई। यही स्थिति हम सबकी है, मृत्यु समक्ष खड़ी रहती है। लोगों को जाते हुए देखते हैं पर अपने लिए कभी कोई नहीं सोचता। महाराज, मृत्यु के भय से बचने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है सत्संग, हरि चर्चा। मूर्ख लोग जीवन कैसे व्यतीत करते हैं? मूर्ख लोग केवल खाने पीने सोने और पैसा कमाने में ही जीवन खपा देते हैं, और वो नाम और पैसा का ही सबको मानते हैं। पर भीड़ इकट्ठी कर लेना, लोगों को जोड़ लेना और खूब पैसा कमाना, ये बुद्धिमानी नहीं है, ये चतुराई नहीं है। सूरदास जी ने बड़ा सुंदर भाव गाया, चतुर व्यक्ति किसे कहते हैं? चतुर उसे नहीं कहते हैं जो अधिक धन कमा ले। बोले फिर किसे कहते हैं? कि पर धन पर मन हरण को, पर धन पर मन हरण को वैस्या हो परवीन। दूसरे के मन को खींचने में और धन को खींचने में वैस्या से चतुर कोई नहीं होता, पर उसकी ये चतुराई उसके काम नहीं आती। धन खींचना मन खींचना ये बुद्धिमानी नहीं है, ये तो वैस्या भी कर लेती है। बुद्धिमानी क्या है, चतुराई क्या है? कि सूर चतुर वही जानिए। सूरदास जी बोले मैं बता रहा हूं चतुर कौन है। बोले कौन? बोले सूर चतुर वही जानिए, जको राम चरण लवलीन, जको राम चरण लवलीन। सूरदास जी कहते भैया बुद्धिमान चतुर व्यक्ति वह है जिसका हृदय जिसका मन 24 घंटे भगवत चरणों में लगा रहे। कुछ भी करो भगवान को याद जरूर रखो। घर में भोजन बनाओ या नौकरी करो, स्नान करो या ध्यान करो, कुछ भी करो पर मन में सीताराम सीताराम राधे श्याम जो भी नाम जप करते हो। बोले इससे क्या होगा? तो भगवान की यदि याद बनी रहती है सो शरीर से अपराध नहीं होते, शरीर से अपराध कम होते हैं। और कम क्या नहीं होते हैं? अगर हृदय से नाम जप चलता रहे। महाराज, चार ऐसे जानवर हैं जो कुछ मनुष्यों से बड़े खुश रहते हैं, ध्यान देना। चार ऐसे पशु हैं जो कुछ मनुष्यों से प्रसन्न रहते हैं। बोले कौन? बोले एक का नाम है कुत्ता। कुत्ता किससे खुश रहता है? बोले कुत्ता ऐसे लोगों से बहुत खुश होता जो बेवजह लड़ते रहते हैं। कुत्ता सोचता हम भी लड़ते ये भी लड़ते, ये तो अपने खानदान के, तो लड़ने वाले लोगों से कुत्ता बड़ा खुश रहता है। कहते बिल्कुल, बस थोड़ा बनावट में अंतर है बाकी सब सिस्टम एक है, इसीलिए लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। बोले दूसरा कौन है? बोले दूसरा है सुअर। बोले ये किससे खुश रहता है? बोले वह सुअर ऐसे लोगों से खुश रहता है
जो केवल खाए पिए संतति उत्पन्न किए मर के चले गए। नहीं समझ में आया? केवल खाए पिए सोए पधार गए। सुअर सोचता है कि मेरा भी ऐसा ही जीवन, मैं भी जीवित होता हूं, जन्म लेता हूं, खाता पीता हूं और आराम फरमाता हूं और फिर चला जाता हूं। तो जो भगवत भक्ति से दूर रहते हैं उनसे सुअर भी खुश रहता है। बोले तीसरा जानवर कौन है? बोले ऊंट। बोले ये किससे खुश होता? ऊंट खुश होता जो अहंकारी जीव होते हैं। मंदिर के सामने से भी निकलेंगे तो मत्था नहीं झुकाएंगे, इतना अहंकार भरा पड़ा है। मूर्ति के सामने जाएंगे तो लंबी दंडवत नहीं मारेंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे। मां बाप को भी प्रणाम करने में जिन्हें शर्म आती है, ऐसे लोगों से ऊंट बड़ा खुश होता। ऊंट कहता मैं भी सर उठा के चलता हूं, और अहंकारी जीव भी ऐसे ही चलते हैं। पर ध्यान रहे, जो व्यक्ति जीवन में झुकता नहीं है वह टूट जाता है। सम्मान भी चाहिए तो झुकना पड़ता है, माला पहनने के लिए झुकना पड़ता है। इसीलिए झुकना सीखना चाहिए, नमना चाहिए, बड़ों का सम्मान और छोटों का आदर करना चाहिए। कभी कोई बड़े बुजुर्ग मिले, मां बाप हो, प्रणाम अवश्य करना चाहिए, इससे अहंकार नष्ट होता है। कहीं मंदिर पड़े कितना भी जल्दी हो मस्तक जरूर झुकाओ, इससे अहंकार दूर रहता है। जो झुकता नहीं है वो टूट जाता है। तूफान आता है तो जो वृक्ष झुकते नहीं है वो तूफान उन्हें तोड़ के गिरा देता है, पर जो वृक्ष झुक जाते हैं तूफान उन्हें छोड़ देता है। तो महाराज ऊंट ऐसे लोगों से खुश होता है जो अहंकार करते हैं। एक चौथा जानवर है गधा। ये किससे खुश होता है? गधा ऐसे लोगों से बड़ा प्रसन्न रहता है कि जो पूरी जिंदगी काम 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 काम, पैसा पैसा, गृहस्थी में लगे लगे, गृहस्थी का बोझा ढो ढो के मर गए, कभी ना राम राम कह पाए, न कथा सुन पावे, न कभी तीर्थ यात्रा कर पाए, केवल वो गृहस्थी का बोझा ढोते ढोते पधार गए। गधा कहता है ऐसे लोग तो बिल्कुल अपने खानदान के हैं, मैं भी बोझा ढोता हूं और ये भी गृहस्थी का बोझा ढोके चले गए। ऐसे लोगों से गधा बड़ा प्रसन्न रहता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत में स्वामी सुखदेव परीक्षित को बता रहे। महाराज इसीलिए लड़ना नहीं चाहिए, अहमता नहीं करनी चाहिए और केवल खा पी के सो के मरना नहीं चाहिए। कुछ ऐसा करना चाहिए कि भक्ति का मार्ग खुले, भगवत प्राप्ति का मार्ग खुले। ऐसा भाव मन में संजो करके और फिर भगवान के दिव्य अमृतमयी कथा का आनंद करना चाहिए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। स्वामी सुखदेव राजा परीक्षित का बड़ा सुंदर संवाद प्रारंभ हो गया। स्वामी सुखदेव सर्वप्रथम वर्णन करते हैं, राजन ये सृष्टि कहां से चली, और वहीं से कथा शुरू हुई है। ध्यान देना, भगवान नारायण की जब आंख खुली, निद्रा से जगे, तो भगवान नारायण के मन में भाव जगा कि लीला की जाए। और केवल भाव जगा भगवान नारायण की नाभि से, एक
बड़ा विशाल कमल का पुष्प खिल गया और उसी कमल पुष्प की नली में ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा जब तपस्या करके उस नली से बाहर निकले तो ब्रह्मा ने पहली बार ब्रह्मांड देखा, चारों तरफ घूम के देखा तो चार मुख हो गए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा को चारों वेद समर्पित कर दिए और आज्ञा दी कि सृष्टि विस्तार करें। कहते हैं ब्रह्मा के ही द्वारा सृष्टि का विस्तार हुआ। सर्वप्रथम किसका अवतरण हुआ तो ध्यान दें, ब्रह्मा के ही शरीर से सनकादिक ऋषि प्रकट हुए। ये जो भगवान नारायण के 24 अवतार गाए जाते हैं उनमें से प्रथम अवतार है सनकादिक ऋषियों का। ये चार भाई थे सनकादिक ऋषि, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। ब्रह्मा ने आज्ञा दी कि सृष्टि विस्तार करो। सनकादियों ने कहा भाई घर गृहस्थी में कौन फंसेगा, हम सृष्टि विस्तार में नहीं पड़ेंगे, चले गए। बड़ा क्रोध आया ब्रह्मा को, क्रोध आया तो भ्रगुटी तिरछी हो गई जिससे भगवान शिव का प्रादुर्भाव हुआ। आज्ञा दी सृष्टि विस्तार करें। अब भोले बाबा तो भोले बाबा, भोले भाले भूत प्रेत प्रकट करने लगे। ब्रह्मा की जो और भी सृष्टि थी भूत प्रेत उन्हें भी खाने लग गए। ब्रह्मा ने हाथ जोड़े भोले बाबा से कि आप अपनी सृष्टि यहीं रोको। बोले ठीक है। बोले जाएं कहां, बोले कैलाश निकल जाओ और ये भूत प्रेत भी वहीं ले जाओ। अब कैसे सृष्टि बढ़े। कहते हैं भगवान ब्रह्मा के दाहिने अंग से पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ और बाम अंग से स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। और इसका प्रमाण, स्त्री का बायां अंग मजबूत होता है और पुरुष का दाहिना अंग मजबूत होता है। जो पुरुष प्रगटा उसका नाम मनु महाराज और जो स्त्री प्रगटी उसका नाम शत्रुपा। दोनों को नाम कहा गया मनु शत्रुपा। और यह सृष्टि विस्तार के लिए आपके भारत में नैमिषारण्य तीर्थ है। कभी गए हो, नहीं गए हो, चलो नैमिषारण्य हमारे सनातन धर्म का सबसे प्रथम तीर्थ है नैमिषारण्य। यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर है। वहीं से सृष्टि का प्रारंभ हुआ था मनु शत्रुपा से। कहते हैं इन्हीं मनु शत्रुपा ने भगवान को प्रसन्न करके और भगवान से आज्ञा प्राप्त करके सर्वप्रथम पांच संतानों को जन्म दिया। पांच संतानों में तीन कन्या और दो पुत्र जन्मे। कि मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जगनिरे आकूतिर देवहूतिश्च प्रसूति ऋतु विश्रुता। तीन कन्याएं, सबसे बड़ी कन्या का नाम है माता देवहूति। देवहूति का विवाह भगवान ब्रह्मा के ही पुत्र स्वरूप श्री कर्दम मुनि से हुआ। कर्दम मुनि का विवाह हो गया तो भगवान नारायण की तपस्या किए, भगवान नारायण प्रकट हो गए। कर्दम मुनि से कहा वरदान मांगो। कर्दम मुनि ने हाथ जोड़े भगवान, हर माता पिता की गृहस्थी में प्रवेश करके सबसे प्रथम इच्छा होती है कि उसकी संतान श्रेष्ठ हो, अच्छी हो। कर्दम मुनि ने कहा भगवान हमारा अभी प्रवेश गृहस्थी में हुआ है तो हमारी इच्छा है कि हमारे घर जो पुत्र जन्मे वो बिल्कुल आपके जैसा हो। भगवान बोले इसका मतलब मेरे बाप बनना चाहते हो,
कर्दम मुनि नहीं नहीं कर्दम मुनि बोले नहीं ऐसा मैं कैसे बोलूं कि मैं आपका पिता बन सकता हूं, मुझे तो आपके जैसा पुत्र चाहिए। भगवान बोले भाई जब मेरे जैसा कोई है नहीं तो पुत्र कहां से आएगा, ठीक है मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र स्वरूप में प्रकटूंगा। और यही कर्दम मुनि के यहां भगवान नारायण के 24 अवतार में एक अवतार है भगवान कपिल देव का अवतार, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की बड़ी सुंदर रचना की। सांख्य शास्त्र का ज्ञान भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को दिया। बोल कपिल देव भगवान की जय। ध्यान देना अवतारों की कथा प्रारंभ है, 24 अवतार की भागवत की मुख्य कथा है, जिसमें जैसे सनकादिक अवतार हो गया, कपिल देव अवतार हो गया, हिरण्याक्ष के वध के लिए भगवान वराह का अवतार हुआ। कहते हैं माता देवहूति के बाद दूसरी कन्या है जिनका नाम है माता प्रसूति। इन माता प्रसूति का विवाह महाराज रुचि प्रजापति से हुआ और जिनसे बहुत ही सुंदर भगवान नारायण के ही अवतार स्वरूप में भगवान नर नारायण का प्रादुर्भाव हुआ। ये भी 24 अवतारों में आते हैं। बोल नर नारायण भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। और जो तीसरी कन्या है जिनका नाम है माता आकूति, आकूति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ और माता प्रसूति का विवाह ब्रह्मा के ही पुत्र महाराज दक्ष से हुआ। दक्ष से 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिन 16 कन्याओं में दक्ष ने 13 कन्याओं का विवाह धर्म से किया, एक कन्या का विवाह अग्नि से किया, एक कन्या का विवाह पितृगण से किया और 8 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा के ही 10-8 पुत्र ऋषियों से किया। जो सबसे छोटी कन्या है जिसका नाम है सती, माता सती का विवाह भूत भावन भगवान भोलेनाथ से हुआ और यहीं से सती चरित्र की कथा प्रारंभ होती है। स्वामी सुखदेव कहते हैं राजन माता सती का विवाह भोलेनाथ से तो हुआ पर कोई संतति नहीं हुई। परीक्षित ने हाथ जोड़े भगवान सती के संतति क्यों नहीं हुई, कृपा करें कथा का विस्तार करें। कहते हैं एक सभा में दक्ष और भगवान शंकर का विवाद हुआ जिसके फलस्वरूप दक्ष भगवान शंकर का अपमान करने के लिए हरिद्वार के कनखल में बड़ा विशाल बृहस्पति सव नाम का यज्ञ किया। इस यज्ञ में खूबी क्या रखी, खासियत क्या थी इस यज्ञ की, यज्ञ की खासियत थी कि दक्ष ने छोटे से छोटे बड़े से बड़े समस्त देवताओं को बुलाया पर उस यज्ञ में भगवान शंकर को नहीं बुलाया, जबकि दक्ष के रिश्ते में भगवान शिव दक्ष के दामाद हैं। महाराज माता सती को जब खबर हुई कि मेरे पिता के यहां यज्ञ का आयोजन है तो माता सती यज्ञ में सम्मिलित होने की जिद करने लगी। भोले बाबा ने मना किया कि देखो देवी आपके पिता ने आमंत्रण नहीं दिया है सो जाना ठीक नहीं है, वैसे ध्यान रहे। माता पिता के पास भगवान के मंदिर में और कथा सत्संग में बिना आमंत्रण के ही जाना चाहिए, किसके पास, मां बाप के पास, भगवान के दरबार में और भगवान की कथा में, आमंत्रण की इंतजार नहीं करना चाहिए। तो बहुत लोग इसी में रह जाते कि भाई हमारे यहां आमंत्रण नहीं आया हम क्यों सुनने जाएं, तो सुनने नहीं जाओगे तो आयोजक का कुछ थोड़े बिगड़ेगा, वो तो अपना नुकसान है। महाराज भगवान शंकर ने मना किया परंतु माता सती के मायके का प्रेम
नहीं माना। बड़े धर्म संकट में एक तरफ पिता का प्रेम, दूसरी तरफ पति का प्रेम, फिर भी माता सती पिता के यज्ञ के लिए प्रस्थान कर गई। बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने बड़ा सुंदर भाव गाया है। पिता भवन जब गई भवानी, दक्षिणाशय काहू नशन मानी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। ओ सती जाई सब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सबते कठिन जाति अवमाना। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हरि बोल। महाराज, भगवान शंकर के बार बार मना करने पर भी माता सती नहीं मानी और माता सती पिता के भवन पहुंच गए जहां यज्ञ का आयोजन। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भोले बाबा को अनिष्ट की आहट थी, मानो इसीलिए देवगणों को साथ में भेजा। माता सती जब पहुंची यज्ञ स्थल पे तो देखा माता सती की जो 23 बहनें थी ना वो भी आई थी, पर उन्हें तो बुलाया गया था। माता सती के 23 बहनों को ये पता था कि सती को बुलाया नहीं गया, तो जब बहनों ने देखा कि सती आ रही है तो बातें क्या कर रही है? एक ने कहा देख देख सती आ गई, दूसरी बोली सती पर उसे तो पिता ने बुलाया नहीं, वो कैसे आ गई? तीसरी बोली अरे होते हैं कुछ लोग ऐसे जो बिना आमंत्रण के धमक जाते। चौथी बोली अरे राम राम, मेरे पिता यदि यज्ञ में आमंत्रण दे के बुलाते नहीं मैं मर जाती, पिता की चौखट पे कभी नहीं आती। और ये सब माता सती को सुना रही। माता सती के हृदय में बहुत क्षोभ हो रहा। माता सती दौड़ी दौड़ी अपनी मां के पास गई। माता सती की मां ने सती का सम्मान किया,
हाल चाल पूछा। माता सती ने पूछा, माँ पिता कहाँ हैं? बोले वो तो यज्ञ स्थल पे हैं। और माता सती जब दौड़ी दौड़ी पिता के पास गईं, बड़ी प्रसन्नता में। माता सती सोच रही हैं, पिताजी जब मुझे देखेंगे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझसे क्षमा मांगेंगे कि बेटी क्षमा कर, मैं तुझे व्यस्तता में बुला नहीं पाया। पर सती जब पहुंची तो दक्ष को प्रणाम करती हैं, दक्ष ने आशीर्वाद नहीं दिया, उपहास करने लगा। अरे सुनो सुनो देवताओं, ब्रह्मांड में कितने बड़े बड़े बेशर्म पड़े हैं, स्वयं तो नहीं आए, अपनी पत्नी को भेज दिया। ये शब्द जब माता सती के कान में पड़ा, मानो जीते जी मर गई। मेरे पिता मेरे शिव की निंदा कर रहे हैं, मेरे शिव ने मुझे रोका था मत जा, पर मैंने पति की अज्ञा की अवज्ञा की, जिससे यह बेइज्जती भोलेनाथ की देखनी और सुननी पड़ रही। माता सती दौड़ी दौड़ी जब यज्ञ में पहुंची तो देखा उस यज्ञ में समस्त देवताओं के भाग हैं, केवल माता सती भोले बाबा का कोई भाग नहीं। आंखों में अश्रू आ गए। मेरे इस शरीर में शिवद्रोही का रक्त है और ये शरीर में भोले बाबा के पास नहीं ले जाऊंगा, ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। और ये विचार करके योग समाधि में बैठ गई। शरीर से अग्नि प्रज्वलित हो गई, धू धू करके शरीर जल उठा। और ये जब भोले बाबा को खबर हुई, महाराज भोले बाबा स्वयं प्रकट होके सती के जलते हुए शरीर को हाथों में लिया और बड़े रुदन क्रंदन करते हुए संपूर्ण ब्रह्मांड में माता सती का जलता हुआ शरीर लेके तांडव करने लगे। और जब तांडव करने लगे, माता सती का शरीर जलते हुए छिटकने लगा, कहीं केश गिरे, कहीं नेत्र गिरे, कहीं भग गिरा, कहीं केश गिरे, पूरा शरीर बिखरने लगा। और ऐसे 51 स्थानों पे माता सती का शरीर छिटका, जहां शक्ति पीठ का निर्माण हो गया महाराज। पर भोले बाबा का क्रोध शांत नहीं हुआ, जटा उखाड़ी पृथ्वी पर पटक दी। कहते हैं बड़ा विशाल वीर भद्र नाम का देवगण प्रकट हो गया। आज्ञा मांगी, भगवान भोलेनाथ ने आज्ञा दी, जाओ और पृथ्वी पर जो हरिद्वार के कनखल में जो यज्ञ है रहा है, यजमान सहित यज्ञ को नष्ट कर दो। भोले बाबा के देवगण प्रस्थान कर गए और पूरे यज्ञ को तहस नहस करके दक्ष का मस्तक काट के महाराज वीरभद्र ने यज्ञ कुंड में डाल दिया। हाहाकार हो गया, सभी दौड़े दौड़े ब्रह्मा के पास आए, ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास आए और सभी आखिरकार भोले बाबा के पास पहुंचे कि देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावन। हे जगत के परमात्मा, हे भूत भावन भगवान भोलेनाथ, आप ये विशाल विनाश वाली लीला को रोकें और देवताओं को और दक्ष को क्षमा करें। भोले बाबा का स्वभाव कैसा, छणे रुष्टा छणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छणे छणे। जब स्वयं ब्रह्मा और विष्णु स्तुति गाए, भोले बाबा ने क्षमा कर दिया। बोल भक्तवत्सल भगवान की। स्वामी सुखदेव वर्णन करते हैं, राजन संसार में कितना बड़ा पद मिल जाए, कितनी बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, पर रिश्तों की डोर संभाल के रखनी चाहिए। क्योंकि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। बोले टूटने से क्या होगा, कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए। और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े गांठ पड़ जाए। इसीलिए कभी भी किसी से बोलो भी तो तोल के बोलो, किसी का अहित ना हो,
किसी का मन ना दुखे इस भाव मन में सजा के रखना चाहिए। स्वामी सुखदेव वर्णन करते हैं राजन, इस प्रकार से महाराज मनु शत्रुपा की तीन कन्याओं के वंश वर्णन की कथा हुई। स्वामी सुखदेव कहते हैं राजन, इसीलिए सती की कोई संतति नहीं हुई, यही कारण रहा। इन्हीं मनु शत्रुपा के दो पुत्र जन्मे जिनका नाम प्रियव्रत और उत्तानपाद है। कहते हैं उत्तानपाद की दो पत्नी, एक पत्नी का नाम है सुनीति और एक का नाम है सुरुचि। सुनीति किसे कहते हैं? सुनीति उसे कहते हैं जो सुंदर नीति से कार्य करे, किसी का अहित ना हो ये विचार करे। और सुरुचि कहते हैं उसे जो रुचि के अनुसार काम करे, अपने को अच्छा लगे पड़ोसी भाड़ में जाए, घर वाले क्या करें उनसे मतलब नहीं, जो रुचि के अनुसार काम करे मानो वही सुरुचि है। कहते हैं इन्हीं माता सुनीति के गर्भ से भक्त ध्रुव का प्रादुर्भाव हुआ और यहां से ध्रुव चरित्र की कथा। ध्रुव चरित्र हम सभी के लिए भगवत प्राप्ति के लिए सबसे बड़ा प्रमाण है कि भगवत प्राप्ति की कोई उम्र नहीं होती। आपको पता है श्री ध्रुव जी ने भगवान को कितने वर्षों में पाया? जिस समय ध्रुव जी की आयु मात्र 5 वर्ष की थी उसी समय भगवत प्राप्ति के लिए निकल पड़े महाराज। जो लोग इस संशय में रहते हैं कि भजन आगे कर लेंगे, कीर्तन आगे गाएंगे, पूजा पाठ आगे, फिर आगे आगे ही होता चला जाता। ध्रुव जी की सौतेली मां सुरुचि ध्रुव जी को अपमानित किया तो ध्रुव जी दौड़े दौड़े मां के पास आए। मां से कहा, मां, माता सुरुचि ने मुझे धक्का देके भगा दिया और मुझसे कहा है यदि राजगद्दी पे बैठना है तो जाके भगवान को प्रकट करो, भगवान के दर्शन करो, उनसे वरदान मांगो, तब तुम राजगद्दी पे बैठने के अधिकारी होगे। ध्रुव ने कहा, मां, मेरा भगवान कहां है? मैं भगवान से मिलना चाहता हूं। अब आजकल की मां होती तो क्या करती, सुरुचि की चोटी उखाड़ लेती, मेरे बेटे को ऐसे कैसे बोला। सुनीति ने ऐसा नहीं किया। सुनीति ने सोचा कि मेरा पुत्र पूछ क्या रहा है मुझसे, मेरा पुत्र पूछ रहा भगवान कहां है मुझे मिलना। ध्यान देना, बच्चों को खूब पढ़ाओ लिखाओ, ABCDEFG खूब रटाओ, इंग्लिश खूब अच्छी सिखाओ, भाषा का ज्ञान बुरा नहीं है, पर जो मां बाप अपनी संतान को अपनी संस्कृति की शिक्षा नहीं देते हैं वो माता पिता अपने पुत्रों के शत्रु होते हैं। कि माता बैरी पिता शत्रु येन बालो न पाठिता। आजकल बच्चों से पूछो, बेटा दिवाली क्यों मनाई जाती है, क्या बताएंगे? कि पटाखे फोड़े जाते हैं सो दिवाली मनाई जाती है। ये किसकी कमी है? माता पिता की। बच्चों से पूछो, बेटा होली क्यों मनाई जाती है? बिरले बच्चे होंगे जिन्हें पता होगा, जब बुढ़ापे में फिर डंडा सटकता है तब रोते हो कि अरे राम राम कौन से जन्म के कर्म हैं, ये इसी जन्म के कर्म। इसलिए धर्म की शिक्षा अवश्य देना चाहिए। समझ मा रहा? अभी समझ लो ठीक है, क्योंकि बच्चे तभी सीखते हैं जब बच्चे होते हैं। कोई पेड़ जब बड़ा हो जाता है ना
फिर वो झुकता नहीं, टूट जाएगा, झुकेगा नहीं। और जो छोटा पौधा है उसे किधर भी झुका दो झुक जाएगा।